फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, तो सबसे पहले पीजीटी का रिजल्ट आएगा जो कि 20 सितंबर के बाद किसी भी डे आ सकता है। उसी जगह टीजीटी का जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजल्ट। उसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि कोर्ट और आयोग की तरफ से यह आया था कि जितने भी तदर्थ शिक्षकों ने फिल किया होगा उनको जो है पद ऐड किए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो है फ्रेश कैंडिडेट में फॉर्म भरकर मिस्टेक कर, क्योंकि उनको जो है सैलरी वेतन का जो है जानकारी नहीं दे पाए थे उसमें। लेकिन उसके बाद जो है, लेकिन जो उनकी जो संख्या थी पहले तदर्थ शिक्षकों की, वो संख्या जो है कम थी। इसके बाद दोबारा से जो है आयोग की तरफ से पोर्टल ओपन करा गया ताकि जिनसे इस चीज़ की मिस्टेक, जो सैलरी वेतन का अपना नहीं भर पाए, तो उसके थ्रू वो दोबारा वेतन को भर सकते थे। इसके बाद देखने को यह मिला कि, और जो है पोर्टल इसलिए भी खोला गया था ताकि उनसे पूरी जानकारी मिल सके, उनकी वेतन संबंधित सूचनाएं ली, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि कितने तदर्श शिक्षक जो हैं। फिर उसी जगह यही खुशखबरी सुनने में आ रही है कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें तुरंत ही जो है आप लोगों के जो तदर्श शिक्षकों के पद हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र इस चीज़ के लेकर परेशान थे कि तदर्श शिक्षक के पद जो है जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने कॉमेंट करके भी पूछा था। तो ये आपके लिए बहुत महा खुशखबरी है कि जितने भी तदर्श शिक्षक हैं वो उनके लिए जो है अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनके पद भी जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अब आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों की अगर ये हेडेक ख़त्म हो गई है, तो आप लोग को अगर पीजीटी के छात्र हैं तो पीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी ज़रूर करते रहिएगा, ताकि आप लोग जो है अपना बेस्ट से बेस्ट दे दें। एंड आई होप कि एक सीट आपकी हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।